वंदे मातरम दोस्तों, कुंडली को देखते हुए कुछ योगों के बारे में ध्यान रखना अवश्य होता है। उसी क्रम में आज मैं बात करूंगा एक ऐसे योग की जिसका ध्यान में विशेष रूप से रखना होता है। उस योग का नाम है सरल योग। जी हाँ दोस्तों, सरल योग। यदि जन्म कुंडली में छठे, आठवें और बारहवें घर के स्वामी छठे, आठवें और बारहवें घर के स्वामी आठवें घर में अथवा आठवें घर का स्वामी बुरे भावों में, जैसे कि छठे, आठवें या बारहवें भाव में बैठा हो, तो ये सरल योग का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यदि छठे, आठवें और बारहवें घर के स्वामी आठवें भावों में हों अथवा आठवें घर का स्वामी बुरे भावों में हो, अथवा छठे, आठवें या बारहवें भावों में हो, तो सरल योग का निर्माण करते हैं। इस योग वाला व्यक्ति विद्वान और बहुत धन संपदा का स्वामी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है और अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाला होता है, आदर्शवादी होता है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, और प्राय देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति लंबी आयु को भोगते हैं। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।